Hello and welcome to Unacademy Studio Rise. My name is Pratik Nayak and once again I am welcome you all on the largest YouTube platform for UPSC Civil Service Preparation. Namaskar dosto, mera naam Pratik Nayak hai, aap sabka swagat hai Unacademy Studio Rise ke channel ke upar, which is the biggest YouTube platform for the UPSC Civil Service Preparation. And me and my friends, me and my team members are trying to bring you one of the finest content available for the UPSC Civil Service Preparation. एंड आपको घर पे बैठे बैठे बेहतरीन तरह की तैयारी कराने की हम लोग आपको मदद कर रहे हैं. जैसे मेरे टीम मेंबर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अपने अपने एक्सपर्ट्स हैं. हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स का एनसीईआरटी मैं कवर करा रहा हूँ आपको. पॉलिटी के लिए आपको सिद्धार्थ सर है. ज्योग्राफी के लिए आपको अमित सर आपको हेल्प कर रहे हैं. आप यू विल सी कि मल्टीपल आपको करंट अफेयर्स के लिए सौरभ सर आपको हेल्प कर रहे हैं. तो यू विल फाइंड आपको हर एक एजुकेटर आपको हेल्प किया जा रहा है. जतिन सर आपको करंट अफेयर्स के लिए आंसर राइटिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं. तो होपफुली आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी. मेरा जो सब्जेक्ट है, आप सभी को काफ़ी दिनों से परिचय हो गया होगा कि हम लोग कैसे हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट को डील कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द यूपीएससी सिविल सर्विसेज. गेटिंग माय पॉइंट. तो जब हम लोग एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीईआरटी की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी आर द फाउंडेशन स्टोन फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन. मैंने इसके पहले के वीडियोज़ के अंदर भी आप सबको बताया हुआ है कि आप कुछ भी हो जाए, वॉट एवर टेक्स प्लेस, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी को अच्छी तरह से करोगे. तो ऑलवेज ऑलवेज फोकस ऑन द आइडिया ऑफ कनेक्टिंग द एनसीईआरटीज. और वही एनसीईआरटी के सब्जेक्ट्स को कवर कराने के लिए मैं फिर से आप लोग के साथ हाजिर हूँ. हम लोग आज के तारीख के अंदर चैप्टर नंबर सेवन करने वाले हैं. ये चैप्टर नंबर सिक्स अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हम लोग आज के क्लास के अंदर करेंगे, जहाँ पे टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे एनसीईआरटी मिडिवल इंडिया के अंदर. जो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए नए जुड़े हैं उन सबको मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स में पढ़ा रहा हूँ, 6 साल से पढ़ा रहा हूँ. नंबर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड स्टूडेंट्स को. एंड आई नो कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनसीईआरटी व्हेन इट कम्स टू द यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन. मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी स्टूडियो राइज के ऊपर तो आपको हिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूँ, और मैं आपको प्लस के ऊपर भी हिस्ट्री पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा. मैं प्लस के ऊपर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ. तो जो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, यू कैन कम एंड ज्वाइन मी ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री कोर्स. जो PN Live मेरा कोड है उसको यूज कीजिएगा. यू यूज माई कोड PN Live. द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट कि यू विल सेव सम मनी. आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ थोड़ा मिलेगा और आपके 2 पैसे भी बच जाएंगे व्हेन यू विल टेक द सब्सक्रिप्शन. आप जुड़ो हमारे साथ. 80 आवर्स का सेशन है. मिस कर गए फिर से देखो. अगर क्लास को अटेंड करने के बाद फिर से रिवाइज करना है तो फिर से देख सकते हो. तो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ द प्लस प्लेटफॉर्म. खैर, आप प्लस के ऊपर आपको एडवांटेज यही होगा कि मेरे अलावा आपको मल्टीपल एजुकेटर्स मिल जाएंगे जो अपने अपने सब्जेक्ट डोमेन के अंदर एक्सपर्ट्स है. तो आप एक बार प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए तो यू विल बी एबल टू सी ऑल द लेक्चर्स. यू विल बी एबल टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम जब तक आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा खाली हिस्ट्री का सब्सक्रिप्शन लिया है मेरे नाम से या PN Live के कोर्स है तो हिस्ट्री के कोर्सेज ही देख पाओगे. नहीं बेटा, यू विल बी एबल टू रिकॉर्ड एंड यू विल बी एबल टू सी ऑल द लेक्चर्स. तो ये आपके लिए एडवांटेजेस है. तो आप इसके बारे में सोच सकते हो. 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फीस अभी 40,000 रुपीज है अगर आप 1 ईयर का लेने का प्लान कर रहे हो. मैं कहूँगा 1 ईयर का लो या 2 ईयर का लो. क्यों? क्योंकि अगर आप छोटा सब्सक्रिप्शन लोगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा. 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो है PN Live. अगर आप यूज़ किया तो ऐसे तो 1 ईयर की 40,000 रुपीज़ फीस है, बट इफ यू यूज़ माई कोड PN Live तो द फीस विल कम बैक टू 36,000 रुपीज़. ठीक है, तो आप सोच सकते हो इसके बारे में. तो डेफिनेटली आपके लिए एडवांटेजेस है कि आपकी फीस कम हो जाएगी. और उसी सौर के ऊपर अगर आपने 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन प्लान किया है तो 64,000 फीस है 2 ईयर्स की. बट इफ यू यूज माई कोड PN Live वन मोर टाइम तो द फीस विल बी रिड्यूस टू 57,600. ठीक है, तो इट्स अप टू यू. आप सोच लीजिए आपको कैसे करना है, बट दिस इज माई रिकमेंडेशन कि आप प्लस के ऊपर जुड़िए. मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि वी डोंट फूल अराउंड, नाइदर वी चीट विद द स्टूडेंट्स. ओके, हम बहुत क्लियर कट प्रोफेशनली काम करते हैं और आपको 1% का भी डिससेटिस्फेक्शन नहीं होने देंगे. उतनी मैं आपको खातरी के साथ कह रहा हूँ, आई एम गारंटिंग यू कि यू विल नॉट बी डिससेटिस्फाइड बाई द कंटेंट ऑफ द टीचिंग एंड द क्वालिटी ऑफ द टीचिंग जो वहाँ पे आपको प्लस के ऊपर भी मिलेगी. यहाँ पे भी हम लोग वही काम कर रहे हैं जो स्टूडियो राइज के ऊपर भी हम लोग एनसीईआरटी के द्वारा डिस्कस कर रहे हैं. खैर, ये अनअकैडमी प्लस आपको ऐप स्टोर के ऊपर भी मिल जाती है. ऐप स्टोर के ऊपर जाइए, डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को.
यूपीएससी सीएसई के गोल के ऊपर क्लिक कीजिएगा एंड देन यू गेट द सब्सक्रिप्शन पीएन लाइव यूज कीजिएगा। जब सब्सक्रिप्शन कोड के ऊपर डालोगे तो यू विल गेट डिस्काउंट एज वेल। खैर ये तो आपकी बात हो गई कंप्लीटली इनफैक्ट प्लस के बारे में। हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं एंड लेट अस सी टुडे सेशन दैट इज चैप्टर नंबर 6। अब मैंने आपको बता दिया था कि मिडिवल इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस ऑफ मिडिवल इंडिया, तो मिडिवल इंडिया की खासियत ये थी, मिडिवल इंडिया की खासियत ये थी बेटा कि व्हेन वी सी द केस ऑफ मिडिवल इंडिया तो वी शुड नो दैट द मिडिवल इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स। एंड जब हम लोग इसको मल्टीपल पार्ट्स में देखते हैं तो चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री है। पॉलिटिकल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है बेटा कि वहाँ पे डायनेस्टीज के बारे में बताया गया है, जैसे दिल्ली सल्तनत हो गए, मुगल्स हो गए, अलग अलग, जैसे अर्ली मिडिवल इंडिया में जो राष्ट्रकूट चोला डायनेस्टी है उनके बारे में बताया गया है। उसी तौर के ऊपर चैप्टर नंबर टेन जो है ये भी पॉलिटिकल हिस्ट्री है। पॉलिटिकल हिस्ट्री का मतलब क्या है कि 18th सेंचुरी में इंडिया में किस प्रकार के पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे। बट चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 जो है वो कम्प्लीटली अगर आप देखोगे तो दिस आर द टॉपिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। समझे कि नहीं समझे? दिस आर द टॉपिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 5 को कम्प्लीट किया था जिसके कहते हैं रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। रूलर्स एंड बिल्डिंग्स इज रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर, दैट इज रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर। एंड होपफुली मैंने आपको अर्ली मिडिवल इंडिया जो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 एंड 4 का जो आर्किटेक्चर का टॉपिक है उसको प्रीवियस क्लास के अंदर कवर कराया हुआ है। सो आई डोंट थिंक कि मुझे अभी आपको इसके अंदर ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वे के अंदर आपको समझाया हुआ है तो आपके दिमाग के अंदर छप जाना चाहिए कि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो कैसे डील करना है। आज के क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि मिडिवल इंडिया के अंदर किस प्रकार के टाउन्स बन के शुरू हुए थे और किस प्रकार के ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन्स का ओरिजिन हुआ था। ठीक है, तो हमारे ये सेशन, ये चैप्टर को भी हम लोग मोस्ट प्रोबली दो ही सेशन के अंदर डिवाइड करेंगे। दो सेशन का मतलब क्या है, जैसे चैप्टर नंबर 5 को हमने 3 सेशन में डिवाइड किया था, 4 को भी 3 सेशन के अंदर किया था, 2, 3 को 2 सेशन के अंदर, इस तरह से हम लोग है ना तोड़ ताड़ के पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि चैप्टर्स को एनालाइज जब करते हो, रीडिंग बिटवीन द लाइंस करते हो, तो उसमें से बहुत सारी चीजें हमको मिल जाती है। ठीक है, तो इसी के कारण हम लोग जो चैप्टर नंबर 6 है उसको आज के सेशन के अंदर शुरू कर रहे हैं। अब देखो चैप्टर नंबर 6 मेनली जो है वो किसकी बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द टाउन्स, इट टॉक्स अबाउट द ट्रेडर्स एंड द क्राफ्ट पर्संस एंड द क्राफ्ट पर्संस प्रिसाइसली इन द अर्ली मिडिवल एंड द मिडिवल इंडिया। अब जब हम लोग अर्ली मिडिवल मिडिवल इंडिया की बात करते हैं तो फिर से आप सबके लिए मैं आपको क्रोनोलॉजी वे फिर से समझाऊंगा। क्यों क्रोनोलॉजी वे? तो आपको मेरी मेथडोलॉजी अब तक तो समझ में आ जानी चाहिए कि प्रतीक नायक पहले तो क्रोनोलॉजी दिमाग के अंदर बिठा के ही जाएगा, उसके बाद आपको आगे पढ़ाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो हमने जब मिडिवल इंडिया की बात की थी तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। जब हम लोग मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमने टॉपिक को जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि 750 CE onwards से आपकी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हुई, 750 के आसपास से शुरुआत हुई। 750 से लेके अगर आपने देखा होगा तो अराउंड 1000 तक का जो पीरियड था उसे हम लोग कहते हैं अर्ली मिडिवल इंडिया। अर्ली मिडिवल का मतलब क्या है कि उस दौरान बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो गए थे। 1000 से लेकर 1200 तक का अगर आप देखोगे तो आपको राजपूत पीरियड मिलेगा। राजपूत पीरियड का मतलब क्या है कि बहुत सारे राजपूत किंगडम्स इस टाइम पे उभर के आए थे। और 1200 ऑनवर्ड से लेके 1526 तक का जो टाइम था, 1526 तक का जो टाइम था वो कौन सा टाइम था बेटा? तो वो था दिल्ली सल्तनत का टाइम, याद करो बेटा। हाँ ठीक है, तो हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में बेटा पढ़ लिया था पिछले क्लास के अंदर। एंड 1526 ऑनवर्ड से जब हम लोग शुरू करते हैं तो 1707 तक का जो टाइम था वो किसका टाइम था? मुगल्स का टाइम था। ठीक है, तो इस दौरान मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत के टाइम तक आते आते, मुगल्स के टाइम तक आते आते, इंक्लूडिंग अर्ली मिडिवल इंडिया में जो आपके 3 से 4 डायनेस्टीज अगर आपको याद होगा जो कन्नौज के लिए फाइट करते थे, जिसे हम लोग कन्नौज ट्राइंगल के रूप में भी कहते हैं अगर आपको याद होगा, तो एक थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी, याद आया कि नहीं आया आपको? राष्ट्रकूट के साथ साथ एक डायनेस्टी थी गुर्जर प्रतिहार, अगर आपको याद होगा तो, इंक्लूडिंग अगर आपको याद होगा तो पाल डायनेस्टी जो बंगाल के अंदर थी, और डाउन साउथ के अंदर आपको चोल डायनेस्टी मिल जाएगी या चोला डायनेस्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो इफ यू विल सी कि जब हम लोग अर्ली मिडिवल इंडिया की बात करते हैं तो ये चैप्टर के अंदर हमको क्या जानकारी मिलती है,
तो ये चैप्टर के अंदर हमको नॉलेज मिलता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत सारे टाउन्स उभर के आए और ये टाउन्स आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के रूप में उभर के आते हैं. द टाउन्स दैट ओरिजिनेटेड इन द अर्ली मिडिवल इंडिया वर एडमिनिस्टर्ड एंड दे वर हैविंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स इंक्लूडिंग. मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि चोला डायनेस्टी के अंदर जो टाउन्स उभर के आएंगे, चोला डायनेस्टी के अंदर जो टाउन्स बन के आते हैं उनमें से बहुत सारे टाउन्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, टेम्पल टाउन्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? टेम्पल टाउन्स. अभी ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी से ही कह देता हूँ. ये चैप्टर के अंदर हमको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे. कीवर्ड्स का मतलब क्या है कि एनसीईआरटी के अंदर जैसे एक क्राफ्टमैन है, एक क्राफ्टमैन है कोई एक ऐसा इंसान है जो कोई क्राफ्ट का काम कर रहा है, तो उसके लिए कोई लोकल लैंग्वेज के अंदर, उसके लिए कोई लोकल लैंग्वेज के अंदर एक शब्द का उपयोग किया होगा, एक शब्द का उपयोग किया होगा. तो देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको ये कीवर्ड, ये ऐसा कोई शब्द आपको मिल जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑलवेज रिमेंबर दिस केस, ऑलवेज रिमेंबर दिस केस कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है कि ये कीवर्ड किसके लिए यूज किया गया है, फलाना कीवर्ड किसके लिए यूज किया गया है. तो एनसीईआरटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप दिया हुआ है और ये मैप के अंदर आपके जो मिडिवल इंडिया के अंदर, मिडिवल इंडिया के अंदर जो भी मैप बनाए गए हैं, जो भी मैप बनाए गए हैं वो मैप के बारे में हमको बहुत सारी नॉलेज मिलती है. अब इफ यू कैन सी तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सिटीज की बात की गई है. ये चैप्टर के अंदर आपको 3 से 4 सिटीज को स्पेसिफिकली बोला गया है. एक तो सूरत की बात की गई है, हम्पी की बात की गई है और मसूलीपट्टनम की बात की गई है. इफ यू कैन सी तो सूरत, हम्पी एंड मसूलीपट्टनम ये 3 सिटीज के बारे में भी ये चैप्टर के अंदर बोला गया है कि ये सिटीज का क्या सिग्निफिकेंस था. अब सूरत अगर आपको पता होगा तो जितने भी यूरोपियंस आपने देखा होगा वो सब के सब कहीं ना कहीं सूरत के ऊपर आते कि नहीं आते, याद करो. इनफैक्ट आपने मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो कैप्टन विलियम हॉकिंस कहाँ पे आया था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ये सब चीजें दर्शाती है, ऑल दिस थिंग शोज इनफैक्ट कि सूरत का क्या सिग्निफिकेंस था. सूरत का सिग्निफिकेंस जिस तरह से अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे बढ़ता भी है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सूरत का जो सिग्निफिकेंस है वो डिक्लाइन में भी चला जाएगा. डिक्लाइन में चला जाने का मतलब ये होता है कि सूरत नाम का जो सिटी है वो धीरे 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 डिक्लाइन में जाएगा और सूरत के बाद यू विल फाइंड कि बॉम्बे नाम का जो सिटी है वो काफी बनता है. तो सबसे पहले हम लोग आज का जो सेशन है वहां पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि अर्ली मिडिवल इंडिया के जो टाउन्स थे, अर्ली मिडिवल इंडिया के जो टाउन्स थे वो टाउन्स कैसे बने. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने आपको अभी जो पढ़ाना है वो अर्ली मिडिवल इंडिया के टाउन्स पढ़ाने हैं. उसके बाद धीरे 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 यू विल सी कि हम लोग मुगल्स के टाउन्स देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है. इंक्लूडिंग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द 18th सेंचुरी टाउन्स जो धीरे 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 यूरोपियंस के आगमन के बाद, मतलब जेन द यूरोपियंस कैप्चर्ड पावर, जब डच आ गए, फ्रेंच आ गए, अंग्रेज आ गए, उन सब ने पावर को कैप्चर किया, उसके बाद जो टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ वो कैसे होता है. ठीक है, तो होपफुली ये जो चैप्टर है वो अर्बनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ चैप्टर है और अर्बनाइजेशन की स्टोरी को ही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. अब देखिए, मैं आपको अर्बनाइजेशन की एक सिंपल थियरी समझाता हूँ. पहले हिस्ट्री से आगे बढ़ने से पहले मेरा मानना यह है कि मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊँ. अब देखिए कि अर्बनाइजेशन कैसे होता है, अब आप समझने की कोशिश करो. अर्बनाइजेशन का सबसे मेन अगर आप देखोगे तो फोकस पॉइंट जो होता है वो पीछे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वो मिलेगी आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जब तक आपको राजकीय रूप से स्थिरता नहीं मिलती, जब तक आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं मिलती तो अर्बनाइजेशन है ना, आप पुश नहीं कर पाओगे, शहर नहीं बना पाओगे. इंक्लूडिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आती है जब राजा के पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? जब आपका किंग जो भी होगा वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो वो पॉलिटिकली भी इनफैक्ट स्टेबल नहीं रहेगा. पॉलिटिकली स्टेबल नहीं रहेगा तो आपके सिटीज नहीं बना पाएगा. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इफ यू सी तो एग्रीकल्चर का रेवेन्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन द अर्ली डेज यू विल फाइंड कि एग्रीकल्चर यूज टू बी द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द किंग. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो आपके जितने भी टाउन्स बने हैं, जो भी शहर बने हैं, वो शहर रातों रात नहीं बने हैं. उसके पीछे बहुत सारी इवेंट्स हो गई होगी इन हिस्ट्री, जैसे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीडिंग टू द आइडिया ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया. गेटिंग माय पॉइंट?
तो मिडिवल इंडिया में जो शहर बनेंगे वो शहर की खासियत ही इस प्रकार से आपको देखने को मिलती रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट। अब सबसे पहले एक एक करके शहर के बारे में देखेंगे। हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये टाउन्स के अंदर कौन कौन लोग रहते थे, ट्रेडर्स कहाँ से आया करते थे, टाउन्स किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट थे, इंक्लूडिंग वहां पे कौन कौन से क्राफ्ट पर्सन। क्राफ्ट पर्सन का मतलब क्या बेटा, कि जो लोग इनफैक्ट क्राफ्ट मतलब कलाकारी का काम करते हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस था। सबसे पहले एनसीईआरटी के जब हम लोग देखते हैं तो शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के, व्हाट वुड अ ट्रैवलर विजिटिंग अ मिडिवल टाउन एक्सपेक्टेड टू फाइंड। अगर मध्यकालीन भारत के अंदर इफ समवन फॉरेनर्स कम्स टू इंडिया, बहुत सारे फॉरेनर्स आए, डोमिनिको पेस, डुआर्टे बारबोसा, निकोलो मेनुची, मार्को पोलो, यू विल फाइंड नंबर एंड नंबर ऑफ फॉरेनर्स, हाँ निकितिन, यू विल फाइंड नंबर एंड नंबर ऑफ फॉरेनर्स कमिंग टू इंडिया इन द मिडिवल एरा। अब वो लोग जब आएंगे भारत के अंदर तो एनसीईआरटी ने बहुत इंटरेस्टिंग केस कहा कि ये जितने भी फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आए उन्होंने इंडिया के अंदर क्या देखा होगा। यू विल फाइंड कि उन्होंने बहुत सारे टाउन्स देखे होंगे। अब प्रश्न ये आता है कि कौन से प्रकार के टाउन्स उनको मिले होंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो एनसीईआरटी हमको बताते हैं कि देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी के कुछ कुछ टाउन्स ऐसे हैं भारत के अंदर जो टेम्पल टाउन के रूप में है। टेम्पल टाउन का मतलब क्या है, जहां पे मंदिरों का शहर होगा। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर आर्ट एंड कल्चर के अंदर टेम्पल्स के बारे में बताया था, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। कुछ कुछ शहर ऐसे होंगे जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में बनाया होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का मतलब क्या है, राजा जो है किंग है उसकी राजधानी भी हो सकती है, उसका कैपिटल भी हो सकता है। देयर माइट बी अ कमर्शियल टाउन। कमर्शियल टाउन का मतलब क्या है, कि ऐसे शहर जो व्यापारिक केंद्र के रूप में डेवलप हो या ऐसे शहर जो पोर्ट के रूप में डेवलप हो। अब देखो पोर्ट इन द एंशियंट इंडिया और आई वुड से द मिडिवल इंडिया, उसमें सूरत और मसूलीपट्टनम बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट के रूप में उभर के आ चुके थे। इन द मिडिवल इंडिया सूरत एंड मसूलीपट्टनम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में उभर के आए थे। और ये जितने भी सिटीज थे इन सब के अंदर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, आपके टाउन्स, आपके क्राफ्ट पर्सन, ये सब साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं था कि टेम्पल टाउन था तो खाली मंदिर ही बने थे, वहां पे कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन भी चलता था। टेम्पल टाउन था तो वहां पे आपका बहुत सारे पॉलिटिकल वो है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन भी चलता था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी चलता था, सब कुछ आपको वहां पे ही देखने को मिलता रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट। सबसे पहले हम लोग आज का जो टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। अब जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की बात करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर दिस केस कि एनसीईआरटी शुरू करता है चैप्टर 2 के द्वारा। अब देखो चोला डायनेस्टी को हमने पढ़ा था, याद आया आपको चोला डायनेस्टी को हमने कब पढ़ा था बेटा, तो चोला डायनेस्टी को हमने जब पढ़ने की कोशिश की थी तो चोला डायनेस्टी आपकी कहां पे आती है, तो चोला डायनेस्टी आती है आपकी अर्ली मिडिवल इंडिया में, याद आया कि नहीं आया। और चोला डायनेस्टी कहां पे थी, डाउन साउथ के अंदर थी। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे कि नहीं बनाए थे, और मैंने आपको बताया था कि टेम्पल्स के आजू बाजू में राजा ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी बनाया था। अगर आप याद करोगे तो चोला डायनेस्टी के दो टेम्पल्स के बारे में मैंने बताया था आपको, कौन सा था, राज राजेश्वर टेम्पल, और दूसरा कौन सा था बेटा, गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल, याद आया कि नहीं आया। तो व्हेन वी सी दिस केस तो कहा जाता है कि चोलास के बारे में पता चलता है कि उनकी जो टेम्पल या उनका जो मेन कैपिटल था वो था तांजावूर या तांजोर भी कहते हैं, आज की तारीख में क्या कहते हैं, तांजावूर या तांजोर। एंड यू कैन सी ओवर हियर जहां पे मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, दिस इज अ प्लेस कॉल्ड एज तांजोर। और ये जो तांजोर नाम की शहर है उसकी सिग्निफिकेंस बताई है एनसीईआरटी। कहता है कि आपका जो तांजोर है विच इज लोकेटेड नियर द कावेरी, और कावेरी के कारण मैंने आपको पहले भी बताया कि उसको एग्रीकल्चर का इनकम अच्छा हुआ। अब जब शहर को एग्रीकल्चर का इनकम अच्छा होगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड कि बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होगा। अब तांजोर मैंने आपको बताया था, वहाँ पे राज राजेश्वर टेम्पल है, याद आया आपको, राज राजेश्वर टेम्पल के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बता दिया था। ये जो टेम्पल है वो है राज राजेश्वर टेम्पल, याद आया कि नहीं आया आपको। ये जो राज राजेश्वर टेम्पल की जब हम लोग ये राज राजेश्वर टेम्पल की बात करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि एनसीईआरटी हमको बताती है कि ये जो चैप्टर है इसका सिग्निफिकेंस क्या था। ये राज राजेश्वर टेम्पल राज राजा चोला करके जो किंग था उसने बनाया। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो टेम्पल है वो इसका आर्किटेक्ट कौन था। मैंने आपको ये टेम्पल के बारे में बताया था, ये जो टेम्पल है उसका जो शिखर या उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, विमान कहेंगे,
वो विमान कैसे बना था, तो मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े रॉक्स के बोल्डर्स को, बड़े बड़े रॉक्स के बोल्डर्स को, अगर आपको याद होगा, रॉक के बोल्डर्स को रोल करके, उसको रोल करके यहाँ पे लाया गया था, फिर कटिंग किया गया था। याद आया कि नहीं है आपको? हाँ, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बता दिया था। यहाँ से ही हमको पता चलता है, यहाँ से ही हमको पता चलता है कि ये जो टेम्पल था, उसके आजू बाजू में जब पूरा का पूरा शहर बन गया, जिसे हम लोग टेम्पल टाउन भी कहते हैं, ये टेम्पल टाउन या ये जो टेम्पल था, उसका जो आर्किटेक्ट था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम याद रखेगा कि उसका नाम है कुंजरामलन, कुंजरामलन राजा राजा पेरुंथलचन। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग नाम दिया हुआ है, और हमको ये टेम्पल, ये आपका जो आपका राज राजेश्वर टेम्पल या बृहदेश्वर टेम्पल जो है, उसके आर्किटेक्ट का नाम कहाँ से पता चला? तो हमको फिर से जानकारी मिलती है कि उसी ने ही अपना खुद का नाम मंदिर की दीवारों के ऊपर कार्व किया था। उसने कहा था कि भाई मैंने ये जो मंदिर है वो मैंने बनाया हुआ है, और ये मंदिर है ना मेरी ही देन है, मैंने ही उसका पूरा डिजाइन बनाया हुआ है। गांव वाले जो टाउन पीपल थे, वो उसको बहुत अच्छी तरह से चाहते थे, इसकी भी जानकारी हमको एनसीईआरटी ही देता है। ऑल दिस थिंग शोज कि द किंग यूज टू एम्प्लॉय द क्राफ्ट पर्सन। किंग ने क्राफ्ट पर्सन को पेट्रोनेज दिया और कहा कि बेटा मेरे लिए कोई बढ़िया सा टेम्पल बनाओ, और इसी के कारण ये कुंजरामन करके जो इंसान है, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग टेम्पल बनाया। ये टेम्पल की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको एक शिवलिंग भी मिल जाता है, और ये शिवलिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इनफैक्ट ये वही टेम्पल है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें लूटपाट करके राजा लेके आया था, चालुक्य से लेके आया, पाल से लेके आया, हाँ फिर आपके आजू बाजू के किंगडम से लेके आया। गेटिंग माई पॉइंट ऑर नॉट? अब हमारा इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो आपका तांजोर है, तांजोर यूज टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। अब बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, वहां पे आपको बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज मिलेगी। एनसीईआरटी हमको बताती है कि मल्टीपल एक्टिविटीज जब हम लोग पढ़ेंगे तो कौन से प्रकार की मल्टीपल एक्टिविटीज मिलती है। तो सबसे पहले हमको जानकारी मिलती है कि टेम्पल के बाजू में देर आर मंडप और पेवेलियन। मंडप के बाजू, आपके टेम्पल के बाजू में मंडप या पेवेलियन हुआ करते थे, और ये मंडप की खासियत क्या थी? तो वहां पे राजा जो है अपने कोर्ट को ऑर्गेनाइज किया करता था। कोर्ट को ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है कि ये ऐसी जगह थी जो आपका टेम्पल था, ये ऐसी जगह थी, वहां पे द किंग यूज टू ऑर्गेनाइज द असेंबलीज, द किंग यूज टू कॉल ऑल द पीपल। राजा सबको कहता था कि तुमको ये करने का, तुमको ये करने का, तुमको वो करने का। हाँ, समझे कि नहीं समझे? तो है ना कि राजा का एक जनता दरबार लगता होगा, ये जनता दरबार के रूप में। तो मंडप आज की तारीख में हम लोग असेंबली हॉल भी कहते हैं। तो ये जो असेंबली हॉल है, ये मंदिर के बाजू में हुआ करते थे, और इससे हमको पता चलता है कि मंदिर के अंदर आपका रिलीजियस वर्क चलता है, मंदिर के बाजू में जो हॉल है वहां पे क्या काम चलता है बेटा, वहां पे काम चलता है आपके कंप्लीट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका तांजोर की इंपॉर्टेंस क्या है। तांजोर के अंदर हमको जानकारी मिलती है कि ये शहर के अंदर नो डाउट इट वॉज अ रिलीजियस टाउन, टेम्पल था, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी था, और इसके कारण आपको आर्मी के बैरिक्स भी मिलेंगे। ये चीज दर्शाती है कि चोला किंग्स जो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ लिया है, उन्होंने अपनी आर्मी को भी अच्छी तरह से बनाया होगा, समझे? तो दिस थिंग शोज दैट द चोला किंग्स वर एबल टू डेवलप देयर बैरिक्स फॉर द ओन आर्मी, और इसी के कारण हम लोग ये चीज सोच सकते हैं कि चोलाज ने अपना एम्पायर इतना बड़ा किया होगा। गेटिंग अ पॉइंट? तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, चोला एम्पायर, इनफैक्ट अगर आप देख रहे होंगे तो ये इतना सारा रीजन में कोई कैप्चर करना कोई रातों रात की बात नहीं थी, और इससे ही हमको पता चलता है कि तांजोर के अंदर आर्मी का भी हेडक्वार्टर्स होगा, तांजोर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी चलता था, तांजोर के अंदर आपके टेम्पल्स भी बने थे, और गंगा आपको जो राजा राजेश्वर टेम्पल है उसको मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ा दिया है बेटा। ये सिटी की एक और खासियत हमको पता चलती है कि एनसीईआरटी बताती है कि इसके अंदर बहुत सारे मार्केट्स थे, एंड ये मार्केट्स के अंदर अलग अलग चीजों की, कॉमोडिटीज की ट्रेडिंग भी होती थी। जैसे कि अगर आप देखोगे ग्रेन्स, स्पाइसेस, कॉटन जिसे क्लॉथ कहते हैं, इंक्लूडिंग ज्वेलरी। अब देखिएगा कि बहुत सारी चीजें यहाँ से हमको पता चलती है कि ये लोग ट्रेड करते थे, और ये टाउन्स के अंदर इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्सपांशन हुआ। अर्बनाइजेशन की खासियत ही ये होती है, कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बहुत बढ़ावा देगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर जब प्रोलिफरेशन होगा,
तो ये प्रोलिफरेशन के कारण अर्बनाइजेशन आपका हर बार बढ़ता है. गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑल दिस थिंग शोज कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मल्टीपल चीजें आगे बढ़ती है, ये आपके अर्बनाइजेशन को आगे लेके जाने की भी कोशिश करेगी. दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको क्या पता चलता है कि इतने बड़े शहर में जब इतने सारे लोग रह रहे हैं तो उनको पीने का पानी भी चाहिए यार. इतना बड़ा शहर है, आप टेंपल्स बनाए, अपने आर्मी बनाई, अपने लोगों को बैरक्स में आर्मी को रहने के लिए बात कर रहे हो, तो यहां से हमको पता चलता है कि वाटर सप्लाई जो है वो आजू बाजू के वेल और टैंक से भी मिल जाएगा. अब देखिए कि इनकी खासियत क्या थी. तांजोर इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ रिवर कावेरी. इफ यू कैन सी ओवर हियर, ये आपकी कावेरी नदी है और ये उसका डेल्टा का रीजन है, एंड इसी के कारण वाटर सप्लाई का कोई इशू नहीं था. इंडिया के अंदर जितने भी अगर आप सिटीज देखोगे, मेजोरिटी अगर आपने देखा होगा सिटीज, दे आर मेनली लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक्स. जैसे अहमदाबाद है तो इट इज लोकेटेड ऑन द रिवर साबरमती, सूरत है इट इज लोकेटेड ऑन द रिवर तापी. गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट? यू विल फाइंड कि मथुरा वाले रीजन में आपको यमुना नजदीक में मिल जाएगी. साउथ के अंदर आपको कंपेरेटिवली ज्यादा सिटीज मिलेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके जो डेल्टा वाले जो रीजन है वहां पे आपको बहुत सारी चीजें सिटीज के रूप में मिल जाएगी. तो तांजोर की भी खासियत यही है कि वहां पे आपके सिटी का जो डेवलपमेंट हुआ वो सिटी के डेवलपमेंट में अल्टीमेटली अलग अलग प्रकार के लोग रहे. दूसरी, तांजोर के अंदर टेम्पल था और टेम्पल के कारण आजू बाजू वाले जो रीजन थे वहां पे सब लोग हैंडीक्राफ्ट का भी काम करते थे. अब मैंने बताया कि वहां पे क्लॉथ बनाने के लिए इनफैक्ट मार्केट था, तो क्लॉथ मतलब कपड़ा को बनाने वाले कोई लोग भी होंगे कि नहीं होंगे. तो एनसीईआरटी ने हमको बताया कि तांजोर के अंदर एक कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है सलिया वीवर्स. नाम याद रखेगा, आपको पूछ सकता है क्या कह सकता है सलिया वीवर्स. क्या किया है कि सलिया वीवर्स ऑफ तांजावूर एंड द नियर बाय टाउन ऑफ उरियूर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लॉथ फॉर द फ्लैग्स टू बी यूज्ड इन द टेम्पल फेस्टिवल. मतलब क्या है कि कभी कभी मंदिरों के ऊपर अगर आपने देखा होगा तो इस प्रकार की फ्लैग्स लगते हैं कि नहीं लगते हैं. और ये जो फ्लैग है, ये फ्लैग के ऊपर जो कपड़ा यूज होता है, क्लॉथ का जो फ्लैग है उसके ऊपर जो कपड़ा यूज होता है, वो कपड़ा जिसे हम लोग कहते हैं आपके क्लॉथ टेक्सटाइल को, वो इनफैक्ट बनाने के लिए एक स्पेशल कम्युनिटी है. तो आपको कभी कभी यूपीएससी पूछ देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सलैया वीवर्स. सो यू शुड नो द सलैया वीवर्स इज द वर्ड विच इज यूज फॉर द क्लॉथ विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द कम्युनिटी पीपल हु आर बेस्ड इन तांजोर. गेटिंग माय पॉइंट? इंक्लूडिंग यू विल सी के फाइन फॉटन फॉर द किंग एंड नोबिलिटी एंड कोर्स कॉटन फॉर द मासेस. मतलब क्या है कि ये जो सलैया वीवर कम्युनिटी है वो कॉटन को दो प्रकार से बनाती थी. एक कॉटन ऐसा था जो फाइन कॉटन था, फाइन कॉटन की जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी. समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरा कॉटन था वो कौन सा था? वो था कोर्स कॉटन. कोर्स कॉटन का मतलब क्या है कि उसका जो क्वालिटी है थोड़ा डाउन होगा. गेटिंग माय पॉइंट? उसके अंदर दाने 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 उसका जो टेक्सचर है अलग मिलेगा. फाइन कॉटन जो हाई क्वालिटी वाला है वो किंग्स के लिए और किंग्स के जो नोबल्स थे उसके जो ऑफिशियल्स थे उसके लिए यूज होता था. और कोर्स कॉटन किसके लिए यूज होता था? मासेस के लिए, या इसी को ही मैं कहूंगा आम आदमी के लिए. गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑल दिस थिंग शोज कि किस तरह से आपकी जो सिस्टम है वो चलती है और आपकी जो वीविंग कम्युनिटी है वो अपना कंट्रीब्यूशन कैसे करती है. तो आपको पूछ सकता है कि सलैया वीवर्स क्या काम करते थे और ये कहाँ पे रहते थे. तो यहाँ से हमको दो चीज पता चलती है. सलैया वीवर्स दो जगह के ऊपर रहते हैं, एक तो तांजावूर के अंदर, और दूसरी कौन सी जगह बताई है? उरियूर के अंदर भी रहते थे. उरियूर मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया था. उरियूर इज समवेयर ओवर हियर. ये रहा, अगर आप देख पा रहे होगे, ये मैंने जीरो किया हुआ है, उसको मार करके रखा है, ठीक है. उसके साथ साथ चोलास की एक और खासियत थी जो एनसीईआरटी हमको बताती है कि वहां पे बहुत सारे लोग मंदिर के अंदर मूर्तियां बनाने का भी काम करते थे. और ये मूर्तियां पत्थर की तो होती थी, ब्रॉन्ज की भी आइडल्स बनती थी. समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? ये मूर्तियां मंदिर के अंदर रखी जाती थी, मंदिर के बाहर बाजार होते हैं वहां पे भी रखी जाती थी, और ये ब्रॉन्ज के आइडल्स बनते थे. अब देखिएगा कि ये जो स्कल्प्टर्स है जो मूर्ति बनाने का काम करते हैं, जो इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं, उनके लिए एनसीईआरटी के अंदर शब्द यूज किया गया है स्वामी मलाई. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
द वर्ड यूज इज स्वामी मलाई. स्वामी मतलब किसके लिए कहते हैं? भगवान के लिए कहते हैं. और उन्हीं के लिए ही अगर आप देखोगे तो हिंदी के अंदर उसको स्थापति कहते हैं. स्थापति क्यों? क्योंकि वो स्थापत्य का काम करता है, आर्किटेक्चर का काम करता है, स्कल्पटिंग का काम करता है, मूर्ति बनाने का काम करता है. और चोला के अंदर अगर आपको जानकारी होगी, चोला के अंदर अगर आपको जानकारी होगी तो इफ विल सी कि उनके दौरान बहुत सारे ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स मिलेंगे. और ये जो ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही अद्भुत प्रकार के ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स आपको यहाँ से मिलते रहते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो ब्रॉन्ज के स्कल्पचर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक के द्वारा बनते हैं. ये ब्रॉन्ज के स्कल्पचर की टेक्निक अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये टेक्निक को हम लोग लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? लॉस्ट वैक्स टेक्निक. अब देखो ये जो मूर्ति है ये ब्रॉन्ज की है. ब्रॉन्ज एक ऐसा अलॉय है जो मेटल के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो उसको दो भाग के रूप में बनाया जा सकता है. जनरली ऐसा होता है कि उसमें सबसे पहले कॉपर और टिन, इन दोनों का मिक्सचर करना पड़ेगा, तब जाके आपका ब्रॉन्ज बनेगा. अब प्रश्न ये आता है कि ये ब्रॉन्ज की मूर्ति कैसे बनते थे? तो टेक्निक का नाम है लॉस्ट वैक्स टेक्निक. क्या नाम है? लॉस्ट वैक्स टेक्निक. अब ये जो मूर्ति है जैसे ब्रॉन्ज की है, यू कैन सी द शेषनाग मूर्ति. ओके, इसकी खासियत क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मैं आपको बता रहा हूँ. क्योंकि ये जो मूर्ति है यहाँ पे सबसे पहले वैक्स की एक इमेज बनाई जाएगी. ये वैक्स की इमेज के ऊपर अगर आप देखोगे तो क्ले का कोटिंग किया जाएगा. ये क्ले के कोटिंग के बाद उसको हीट किया जाएगा. हीट करने के बाद जो वैक्स है उसके अंदर से रिमूव किया जाएगा. और उसके बाद लास्ट स्टेप के अंदर याद रखिएगा कि मोल्टन मेटल. मोल्टन मेटल का मतलब क्या है? कि आपका जो ब्रॉन्ज है वो ये क्ले का जो कोटिंग है, ये आपका वैक्स का जो कोटिंग है उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा. तो कहा जाता है कि बहुत ही लंबी प्रोसेस है. एनसीईआरटी में बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बताई गई है. द ब्रॉन्ज इज इन अलॉय कंटेनिंग द कॉपर एंड द टिन एंड द बेल मेटल्स कंटेन द ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टिन देन द अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज. दिस प्रोड्यूसेस द बेल लाइक साउंड. तो आपकी कोई भी मूर्ति होगी उसके अंदर अगर आपने देखा होगा टिंग 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 जो बेल वाली इमेज आती है, उसके पीछे की खासियत यह है कि उसमें टिन का यूज ज्यादा होता है. यू विल फाइंड द चोला ब्रॉन्ज स्टैचूज वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक. कैसे बनती है? तो मैंने बताया कि द फर्स्ट इमेज वॉज मेड बाय एन वैक्स. उसके बाद दिस वॉज कवर्ड बाय क्ले अलाउड टू ड्राई. उसके बाद क्ले को हीट किया जाता था. हीट करने के बाद एक छोटा सा होल कर दिया जाता था. जैसे ही वो होल करोगे तो आपका जो वैक्स है, क्योंकि अंदर आपने गर्म कर दिया है, वो वैक्स बाहर आ जाएगा. जैसे ही वैक्स बाहर आ जाएगा तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो मोल्टन मेटल को वही क्ले के ढांचे के अंदर डाल दिया जाएगा. और उसके बाद उसको थोड़ी देर तक ठंडा किया जाएगा. जैसे ही ठंडा होगा तो आपकी मूर्ति एकदम तैयार हो जाएगी. आपने क्ले को निकाल दिया तो एकदम शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद प्रकार की टेक्निक के द्वारा बनी हुई मूर्ति मिल जाएगी. ये ब्लास्ट वैक्स टेक्निक की खासियत ये है. ये टेक्निक की खासियत क्या है कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस के अंदर, ये वही प्रकार के इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज हुआ था. अब आप समझिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब थी. तो इट वॉज अराउंड 2600 बिफोर कॉमन एरा. कब हुआ करती थी बेटा? इट वॉज अराउंड 2600 बिफोर कॉमन एरा. मतलब आप सोच सकते हो कि 2600 बिफोर कॉमन एरा के पहले के समय में आपकी लॉस्ट वैक्स टेक्निक वहां पे आपको मिल रही थी. ये जो चोला डायनेस्टी है इन्होंने भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा ही आपके आर्किटेक्चर की बहुत सारी मूर्तियां बनाई. ये सब चीजें दर्शाती है कि चोलाज वर एक्सपर्ट इन द ब्रॉन्ज स्कल्पचर. ठीक है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर चोलास का इंपॉर्टेंस था ही. दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेगा कि आपको ब्रॉन्ज के जो स्कल्पचर मिलेंगे बहुत एक से एक धांसू प्रकार के, वो भी चोलास के दौरान मिलते हैं. इंक्लूडिंग आपको बेल मेटल लैम्प्स मिल जाएंगे. लैम्प्स का मतलब क्या है? दिए मिल जाएंगे. आपने देखे होंगे जो ब्रॉन्ज के दिए होते हैं बहुत सारी जगह के ऊपर, आज भी रिलीजियस फंक्शंस के अंदर और वहां पे यूज होते हैं. तो चोलास के अंदर इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए. दूसरा, तांजोर की इंपॉर्टेंस क्या है? तो यू विल फाइंड कि तांजोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टेम्पल टाउन. एंड टेम्पल टाउन के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे, एनसीईआरटी कहता है
कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत अच्छा हुआ था, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। विल ऑल्सो फाइंड कि टेम्पल के साथ साथ इकोनॉमी और सोसाइटी जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कोई राजा ने टेम्पल बनाया हुआ है तो उसके बाजू बाजू में अगर आपने देखा होगा तो फूल की दुकान वाले, फिर चद्दर चढ़ाने वाले, हाँ अगरबत्ती बेचने वाले, खिलौना बेचने वाले, फिर उसके बाद है ना आपकी पानी पूरी खाने वाले, है ना नाश्ते की दुकान वाले, सब लोग खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं। तो चोलास के टाइम पे भी आपका जो तांजोर बना, वो तांजोर के आजू बाजू में खासियत ये थी कि बहुत सारे आपके मल्टीपल एक्टिविटीज की शुरुआत हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चोलास के बारे में हमको ये भी पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स थे वो टेम्पल्स को राजा बहुत सारी ग्रांट दिया करता था। ये ग्रांट के द्वारा जमीन बड़ी बड़ी दी जाती थी और ये टेम्पल्स का जो खर्चा आता है, मंदिरों का जो चलाने का खर्चा आता है, वो सब राजा इनफैक्ट मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया करता था। ये जो लैंड ग्रांट्स दी जाती थी उसे हम लोग कहते थे देवधन, याद रखेगा, क्या कहते हैं? देवधन। एंड ये जो लैंड ग्रांट से जो भी रेवेन्यू आती थी, ये सब रेवेन्यू के द्वारा, आपके जो भी पंडित जी है, जिनके फिर आजू बाजू के जो श्रद्धालु आते हैं, द पिलग्रिम्स हु कम टू द टेम्पल, इन सबको सैलरी भी दी जाती थी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑल दिस थिंग शोज कि टेम्पल टाउन्स, पिलग्रिमेज सेंटर्स का क्या इंपॉर्टेंस था चोलास के अंदर। ये चोलास की ही जब हम लोग बात करते हैं, कि जितने टेम्पल्स बनेंगे, याद रखेगा, द मोर द टेम्पल्स आर बिल्ट The more the donation you will see from the people. क्योंकि क्या होता है कि temples एक आस्था का विषय है, समझे कि एक faith का विषय है। आप अजमेर चले जाइए, people give so much of charity, चिश्ती की दरगाह के ऊपर आप चले जाइएगा, ठीक है, तो आपको बहुत सारे cities मिलेंगे जहाँ पर religious center है। तो पहले राजा ने एक आध मंदिर बनाया, अब राजा ने मंदिर बनाया, उसके बाद राजा ने मंदिर को ग्रांट दे दी और कह दिया कि चल बेटा यहाँ 50 गांव है, ये 50 गांव की रेवेन्यू आप कलेक्ट करिएगा। उसके बाद श्रद्धालु गए, बहुत सारे कॉमन मैन गए, आम आदमी मैंगो पीपल गए, वो सब ने वहां पे जाके मंदिर को डोनेट करना शुरू किया। गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट? और इसी के कारण जब आप पे पिलग्रिम्स डोनेट करेंगे और पिलग्रिम्स के डोनेशन के द्वारा आपके टेम्पल्स की जो साइज है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो आपके चोला किंगडम्स के अंदर थी उसके बाद पब्लिक चैरिटी के द्वारा भी बढ़ जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब चीजें दर्शाती है कि आपकी जो टेम्पल आर्किटेक्चर और आपने जो टेम्पल्स बनाए हैं उसका किस तरह से धीरे 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 चीजें आगे चलती रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेम्पल अथॉरिटीज ने यहाँ पे उनको द्वारा जो पैसा दिया जाता था डोनेशन के द्वारा उनका मल्टीपर्पज यूज करना शुरू कर दिया। एंड यू विल ऑल्सो फाइंड कि बहुत सारे लोग मंदिर के आजू बाजू में रहना शुरू कर देते हैं, और जब मंदिर के आजू बाजू में रहेंगे तो कंप्लीटली टेम्पल टाउन्स मिलेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है द डेवलपमेंट ऑफ द टेम्पल टाउन्स इन इंडिया। भारत के अंदर बहुत सारे टेम्पल टाउन्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आपने देखा होगा सोमनाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन, तांजोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन, मदुरई इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन, महाबलीपुरम इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन, तिरुपति इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। यू विल फाइंड मल्टीपल एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको टेम्पल टाउन मिलेंगे। आपको पुष्कर इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन, अजमेर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस टाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्पल तो नहीं था पर मोहिउद्दीन चिश्ती साहब की जो दरगाह है वो दरगाह के अंदर भी यही होगा, क्योंकि लोग लार्ज स्केल इनफैक्ट आके रहेंगे और उसके आजू बाजू में पूरी एक्टिविटीज चलेगी, इंक्लूडिंग वृंदावन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। ठीक है, तो आपको बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे और इसी के कारण आपके टेम्पल टाउन्स बहुत सारे बनेंगे एज अ टाउन्स ऑफ द रिलीजियस एंड एज अ टाउन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जब हमने ये चैप्टर को शुरू किया तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन और टेम्पल टाउन्स ये कैसे उभर के आए, पिलग्रिमेज सेंटर्स कैसे उभर के आए, और इंक्लूडिंग आपकी जो ब्रॉन्ज की स्टैचूज है और लॉस्ट वैक्स टेक्निक से कैसे बनाई जाती थी उसको भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर बेटा, आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा बहुत आगे समझने की कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे टाउन्स कैसे बनते थे। ठीक है, तो एक तो साउथ के अंदर आपको टेम्पल टाउन्स मिलेंगे, मैंने आपको बताया साउथ के अंदर अगर आप देखोगे टेम्पल टाउन और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन,
पोर्ट टाउन्स को आज के क्लास के अंदर नहीं देखेंगे, पोर्ट टाउन्स को जैसे हम्पी, मसूलीपट्टनम, सूरत है, वो लेटर ऑन डेवलप होते हैं। लेटर ऑन का मतलब क्या है कि वो 15-16 सेंचुरी तक आते आते डेवलप होंगे। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो छोटे टाउन्स देखेंगे, फिर बड़े टाउन्स होंगे, पोर्ट्स का सिग्निफिकेंस बढ़ेगा। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से रास्ते से आई, ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया वाया द सी रूट, गेटिंग माय पॉइंट। तो इनफैक्ट जितने भी यूरोपियंस आए वो सबके सब सी रूट के द्वारा आए। तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द पोर्ट टाउन्स। गेटिंग माय पॉइंट नॉट? तो आपको ये दोनों के दोनों पॉइंट्स, ये दोनों के दोनों पर्सपेक्टिव्स को पता होना चाहिए कि उसको कैसे डील किया जा सकता है एंड हाउ थिंग्स कैन बी प्रोग्रेस व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेम्पल टाउन्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। अब देखो टेम्पल टाउन्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, टेम्पल टाउन्स के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी के अंदर। अब कैसे दिया गया है तो मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा। एनसीईआरटी में दिया गया है कि भिल्ला स्वामीन या भिलसा या विदिशा एमपी के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो टेम्पल टाउन्स के रूप में उभर के आया। अब विदिशा अगर आपको पता होगा तो इट इज ओवर हियर इन एमपी। और विदिशा की खासियत यह थी कि एंशियंट इंडिया के अंदर आपकी जो शुंग डायनेस्टी है वो यहाँ पे रहा करती थी। गेटिंग अ पॉइंट? यू विल ऑल्सो फाइंड मैंने आपको बताया कि कांचीपुरम, मदुरई ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया अभी, इंक्लूडिंग तमिलनाडु, और आपका जो तिरुपति जो है आंध्र प्रदेश के अंदर वो भी एक टेम्पल टाउन्स के अंदर डेवलप होता है। अब क्या होता है कि जब पिलग्रिमेज आएंगे, लोग आके रहना शुरू करेंगे, धीरे धीरे यू विल सी कि द टाउन्स विल बी डेवलप्ड इनटू अ टाउनशिप। तो पहले क्या था कि मंदिर बना, मंदिर के आजू बाजू में सेटलमेंट बनी, सेटलमेंट के बाद धीरे धीरे वो पानीपुरी वाला, नाश्ते वाले, खिलौने वाले, फूल बेचने वाले, अगरबत्ती बेचने वाले, जितने भी रिलीजियस है ना, जो इकोनॉमी चलाने वाले लोग थे वो रहने लग गए। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब यात्राड़ू आए, हाँ आपके जो पिलग्रिम्स आए, जैसे आज की स्कीम चलती है ना प्रसाद, हाँ स्वदेश दर्शन स्कीम, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब स्कीम कैसी है, वो सब सर्किट के अंदर ही चलती है आपकी, आज की मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अगर आपने देखा होगा, जो करंट अफेयर्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब चीजों के द्वारा हमको क्या पता चला कि किस तरह से चीजें बनती है, इंक्लूडिंग जो पिलग्रिम सेंटर्स के अंदर से टाउनशिप बनी, उसमें दो एग्जाम्पल्स उभर के आए। एक तो वृंदावन। अब वृंदावन अगर आपको पता होगा इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ रिलीजियस सेंटर, किसके लिए है, कृष्णा का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इंक्लूडिंग अगर आप देखोगे तो तिरुवन्नमलाई, ओके, जो तमिलनाडु के अंदर है वो भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में उभर के आया। तो यू विल फाइंड मल्टीपल सेंटर्स जो टेंपल टाउन्स के रूप में और पिलग्रिमेज टाउन्स के रूप में उभर के आया। तो यूपीएससी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से टेंपल टाउन्स धीरे धीरे पिलग्रिमेज सेंटर के अंदर से उभर के आए थे। पिलग्रिमेज सेंटर का मतलब क्या है बेटा, तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे पिलग्रिम्स आएंगे वैसे वैसे टाउनशिप का डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जब एक पिलग्रिम आता है, जब भी कोई एक पिलग्रिम आएगा, जैसे आज आप कोई यात्रा के ऊपर जाते हो, से फॉर एग्जांपल यू गो टू अजमेर, तो आप अजमेर जाओगे तो वहां पे होटल में खाओगे, शायद वहां पे आपने लोकल कैब टैक्सी को हायर किया होगा, हाँ आपने उबर ओला ली होगी, फिर उसके अंदर आजू बाजू के साइट सीइंग में आपने डेवलप किया होगा। तो क्या होगा कि यू विल बी स्पेंडिंग सम मनी। एक टूरिस्ट जाता है तो मिनिमम 5-6 सर्विसेज को वो हायर करेगा, खाने पीने से लेके, रहने से लेके, इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट से लेके हर एक चीज़ को, गाइड को अगर हायर करेगा, तो ये सब चीज़ों के कारण क्या होता है कि आपका जो पूरा का पूरा इकोनॉमी है उसका साइकिल चलता है। एनसीईआरटी हमको यही बताता है कि मिडिवल इंडिया के अंदर जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ उभर के आए, वो टेम्पल आर्किटेक्चर जब पहले बनता है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ लिया था, उसके बाद उसके आजू बाजू के सिटीज़ के अभी डेवलपमेंट होगा। गेटिंग अ पॉइंट? अब कुछ कुछ सिटीज़ ऐसे थे जो रिलीजियस टॉलरेंस की जानकारी देते हैं। रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब क्या है कि कुछ शहर आपको वैसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे धार्मिक रूप से, जहाँ पे रिलीजन के परस्पेक्टिव से अगर आप देखने की कोशिश करो तो वहाँ पे आपको कोएग्जिस्टेंस या रिलीजियस हार्मनी मिलती है। जैसे एनसीईआरटी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग केस दिया है अजमेर का। अब अजमेर की अगर आपको जानकारी होगी तो मैंने आपको अर्ली मिडिवल इंडिया के बारे में जब मैंने आपको अर्ली मिडिवल इंडिया के बारे में बताया था तो अर्ली मिडिवल इंडिया में जब हम लोग ये राजपूत किंगडम्स की बात करते हैं तो बहुत सारे राजपूत किंगडम्स के जो राजा लोग थे बहुत सारे किंग्स ने इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया के अंदर अपनी डायनेस्टी बनाई थी। अजमेर यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द चौहान डायनेस्टी, याद आया कि नहीं आया आपको? और जब हम लोग चौहान डायनेस्टी की बात करते हैं
तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ाई होगी, अगर आपको याद होगा तो पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में लड़ाई होती है। उसके बाद आपका जो 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 अजमेर वाला रीजन है वो फिर गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में चला जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि अजमेर की खासियत क्या थी कि इनिशियली चौहान किंग्स वहां पे रूल किया करते थे, और जितने भी चौहान किंग्स अजमेर के ऊपर रूल किया करते थे, उनकी खासियत ही ये थी कि अजमेर के अंदर उन्होंने अपने रिलीजियस टेम्पल्स, रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स को बनाया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो मुगल्स के अंदर उनका एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा, जब मुगल्स ने अजमेर को कैप्चर किया, आजू बाजू के रीजन्स को जब कैप्चर किया, तो वहां पे आपको और भी इस्लामिक आर्किटेक्चर मिलेगा। अजमेर की खासियत ही यह है कि यहाँ पे आपको हिंदू टेम्पल्स भी मिल जाएंगे, और इंक्लूडिंग आपको जो सूफी श्राइन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी भी आपको जानकारी मिल जाती है। तो दैट थिंग शोज कि आपके कुछ कुछ सिटीज में मल्टीपल रिलीजियस एक्टिविटीज भी मिडिवल इंडिया के अंदर मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसका क्या सिग्निफिकेंस था। इनमें से बहुत सारे टाउन्स अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट की एक स्कीम है प्रसाद स्कीम। कौन सी स्कीम है बेटा? प्रसाद स्कीम। ये प्रसाद के पार्ट है, प्रसाद करके एक स्कीम है, और दूसरी अगर आप देखोगे तो हृदय करके एक स्कीम है। कौन सी है? हृदय। हृदय एंड प्रसाद आर टू स्कीम्स विच आर यूज्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड द बेटरमेंट ऑफ द आई वुड से हेरिटेज सिटीज इन इंडिया एंड ऑल्सो द रिलीजियस सिटीज इन इंडिया। तो ये जितने भी एनसीईआरटी में दिए हैं उसमें आप प्रसाद के साथ सिटीज को कोरिलेट करिएगा, ट्राई टू कोरिलेट। दिस इज योर होमवर्क माई फ्रेंड, ये आपका होमवर्क है कि आप कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा कि इनमें से कितने सिटीज आपके प्रसाद के अंदर इनफेक्ट या हृदय के अंदर आ रहे हैं। गेटिंग अ पॉइंट? चलो इधर आ जाते हैं। अजमेर के बाजू में है पुष्कर, और पुष्कर की खासियत यह है कि वहां पे आपको एक लेक मिलता है। पुष्कर के अंदर किन का मंदिर है मुझे बताइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ एक रिलीजियस टाउन के अंदर जो एनसीईआरटी में। पुष्कर की बात डिटेल में नहीं की है, बट मैं चाहता हूँ कि आप अपने दो ऑप्शंस को इनफैक्ट मुझे बताइएगा। पहला आपका होमवर्क है कि ये जितने भी सिटीज एनसीईआरटी में है उनमें से कौन से सिटीज प्रसाद और हृदय के अंदर कवर होते हैं। कवर का मतलब क्या है? ओवरलैप होते हैं। दूसरा, पुष्कर जो है, पुष्कर का क्या सिग्निफिकेंस आपको मिलता रहता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब थोड़ा बहुत आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में छोटे छोटे टाउन कैसे बने। अब देखो, एक टाउन ऐसे थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन थे, एक टाउन ऐसे थे जो टेम्पल्स के रूप में बने, टेम्पल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स दोनों का मर्जर हुआ। अब तीसरा प्रकार के जो टाउन्स है वो कैसे है? छोटे टाउन, कस्बे, कस्बा कहते हैं ना हम लोग, कस्बा जिसे हम लोग कहते हैं स्मॉल टाउन्स। गेटिंग माय पॉइंट? ये कैसे उभर के आया? गेटिंग माय पॉइंट? अब कहानी क्या है कि आपके जो स्मॉल टाउन्स है वो कैसे उभर के आए, तो वो डेवलप होते हैं 8th century ऑनवर्ड से। 8th century का पीरियड अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा अर्ली मिडिवल इंडिया में, ठीक है। तो आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री पहले क्लियर होना चाहिए कि भाई कौन सी डायनेस्टी के समय पे क्या पीछे चल रहा था। हमेशा याद रखेगा कोच मूलोदंड का मतलब क्या होता है कि ग्रेट इकोनॉमी मेक्स ग्रेट एम्पायर। जितना महान आपका अर्थव्यवस्था है उतना ही महान आपका साम्राज्य, जितना बड़ा साम्राज्य उतना ही ज्यादा अर्बनाइजेशन। थंब रूल है, आज इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन क्यों ज्यादा है? What is the reason behind that India has good amount of urbanization? The reason India has good urbanization is because India के अंदर इतना urbanization है, उसके पीछे का कारण ये है कि India की economy अच्छी चल रही है। In the early 90s and early 70s and early 60s, India में urbanization नहीं था उतना। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था नहीं थी यार, पैसा तो होना चाहिए ना यार। राजा के पास पैसा नहीं रहने का तो आपको क्या लगता है कैसा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा बेटा, है ना? तो ये चीज को आप क्लियर करके चलो। तो एनसीईआरटी ने स्मॉल टाउन्स के बारे में बताया। अब बताया कि ये स्मॉल टाउन्स कैसे बने, तो एनसीईआरटी ने हमको बताया कि पहले छोटे छोटे विलेजेस थे, स्मॉल विलेजेस थे, स्मॉल से लार्ज विलेजेस की तरफ चले गए, लार्ज विलेजेस के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाउन आपके टाउन्स बनने की शुरुआत होती है। गेटिंग अ पॉइंट? अब कहानी क्या चलती है, ये स्मॉल टाउन्स की खासियत क्या थी? अब कोई भी छोटा शहर होता है, जैसे आप पकड़ने की कोशिश करो कि यहाँ पे एक छोटा शहर है ABC, गेटिंग अ पॉइंट? तो ये जो ABC नाम का शहर है उसके आजू बाजू वाले रीजन से
ट्रेडर्स आके यूल बी फाइंड स्मॉल स्मॉल ट्रेडर्स, यूल बी फाइंड स्मॉल स्मॉल मर्चेंट्स, यूल फाइंड स्मॉल स्मॉल आई वुड से सेल्समैन कहते हैं ना, जो सेलिंग करते हैं, वो सब आएंगे और वहां पे अपना छोटा 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 दुकान खोलेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से आजू बाजू के गांव के लोग आके वहां पे बाजार के अंदर बेचते थे. एनसीईआरटी ने हमको बताया कि इन द अर्ली पार्ट ऑफ द एट्थ सेंचुरी मंडपीका करके एक जगह हुआ करती थी. कौन सी थी? मंडपीका यूज टू बी ए प्लेस जहां पे आजू बाजू के गांव के विलेजर्स आते थे ये छोटे शहर के अंदर और वहां पे अपना सामान को बेचा करते थे. अब आप समझिए कि ये मंडपीका को ही मिडिवल इंडिया के अंदर आते आते क्या बोला गया है? मंडी. आज की तारीख में भी हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, सब्जी मंडी. बोले कहां जा रहे हो? बोले सब्जी मंडी. हाँ, आपके घर वाले कहीं कहीं जा रहे होते हैं तो जैसे कैसे आपकी मदर कैसे कहती है आपको, हाँ हाँ बेटा 2 किलो मंडी से आलू लेके आना, हाँ कांदा लेके आना. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब चीजें दर्शाती है कि आपकी किस तरह की सिस्टम चला करती थी. यू विल ऑल्सो फाइंड कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो छोटे शहर थे, जो स्मॉल टाउन थे, उसके अंदर छोटे छोटे मार्केट के स्ट्रीट्स बनने शुरू हो गए. जिसे हम लोग कहते हैं हट्टा. हट्टा आज की तारीख में हम लोग क्या कहते हैं? हाट कहते हैं. यू माइट हैव सीन दिस काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रीट्स. जो आपकी, ये तो मंडपीका है. मंडपीका की खासियत क्या थी कि लोग आएंगे दूसरी दूसरी जगह के ऊपर. फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाजार कैसे बने? तो जैसे यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है, ये रास्ता के आजू बाजू में आपको दुकान मिल जाएगी. जैसे एक शॉप है, जैसे ये शॉप है, जैसे ये शॉप है, जैसे ये शॉप है, और बीच में से आपकी स्ट्रीट जा रही है. यू माइट हैव विजिटेड द दिल्ली हाट और मेनी अदर हाट. तो ये आपका बीच का रोड है और रोड के दोनों साइड के ऊपर आपको इनफैक्ट दुकानें मिल जाएगी और दुकानों के अंदर लोग व्यापार करेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो मार्केट स्ट्रीट का कंसेप्ट है उसे हट्टा कहा गया है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका नाम बदल के क्या बोला गया है? हाट. दिल्ली हाट है ना, अहमदाबाद हाट. हाँ, अलग अलग सिटीज में यू विल फाइंड हाट जहां पे बहुत सारे लोग आके अपना सामान बेचते हैं. और इसी के कारण यू विल फाइंड कि मल्टीपल चीजें आपको सेलिंग के अंदर और आपको अलग अलग एक्टिविटीज के रूप में मिल जाएगी. गेटिंग माय पॉइंट? सो यू विल फाइंड मल्टीपल स्ट्रीट्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिजन्स. अलग अलग प्रकार के जो लोग व्यापार करते थे उनके लिए अलग अलग स्ट्रीट थी. तो जैसे ये एक हाट है, जैसे एक ये हाट है जहां पे खाली अगर आप देखोगे तो एक स्पेसिफिक कमोडिटी के लोग ही काम कर रहे होंगे. हो सकता है कि ये जो दुकान है वहां पे खाली स्मिथ बैठे होंगे. स्मिथ कौन हो सकता है? जैसे गोल्ड स्मिथ. तो आपने आज की तारीख में भी सिटीज देखे होंगे, तो आप कोई भी पुराने सिटी के अंदर चले जाओ. जैसे आप दिल्ली चले जाओ तो उसमें आपका एक सोना का बाजार होगा, सोने का बाजार अलग होगा, जहां पे जितने भी ज्वेलरी के मर्चेंट्स है वो सब के सब एक ही बाजू बाजू में होंगे. पुराने, अभी नए शोरूम्स की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यू शोरूम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड प्रीवियस शोरूम्स. जो शोरूम्स मतलब दुकानें, जो ट्रेडिशनल दुकान चलती थी ना. आप दिल्ली चले जाओ चांदनी चौक वाला रीजन, वहां पे आपको ये हट्टा बहुत मिल जाएगा. स्पेशल एक स्ट्रीट होगी जहां पे खाली ज्वेलरी की दुकान मिलेगी. वैसे ही आपको एक दूसरी स्ट्रीट मिल जाएगी, जहां पे आपकी कुछ कॉमोडिटी, से फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी की दुकान ही मिलेगी. गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे आपके बहुत सारी दुकान तो होगी, यू विल फाइंड मल्टीपल शॉप्स, बट वहां पे जो आइटम्स अवेलेबल है वो खाली ग्रोसरी की है. ठीक है? तो दिस शोज कि आपके जो मार्केट थे वो मार्केट के अंदर भी सेग्रीगेशन था. सेग्रीगेशन का मतलब क्या समझ में आया बेटा आपको? सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो अलग अलग प्रकार की डेवलपमेंट होती है उसके अंदर से ही आपको शुगर, ऑयल प्रेशर, स्पॉटर्स, सब अलग अलग प्रकार के मार्केट्स मिलेंगे. मैं आपको ये इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी, अगर आपको याद होगा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने बताया था, उसने 4 अलग अलग प्रकार के मार्केट को बनाया था. याद आया आपको? वो मार्केट के अंदर प्राइजेस को भी रेगुलेट करने की कोशिश करेगा. ये वही मार्केट्स की मैं आपको ओरिजिन बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है. गेटिंग अ पॉइंट? तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ये हट्टा का क्या इंपॉर्टेंस था. अब प्रश्न ये आता है कि यहाँ पे बेचने कौन आया करता था? हु यूज टू सेल इन द मार्केट. हाँ, जैसे एनसीईआरटी में ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग दिया हुआ है. कैन यू सी दिस पेंटिंग? अगर आप पेंटिंग देख पा रहे होंगे
तो ये पेंटिंग की खासियत ही ये आपको मिलती है कि यहाँ पे दोनों साइड के ऊपर बाजार है, ये दोनों साइड के ऊपर बाजार है एंड बीच के अंदर से लोग व्यापार कर रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि हु आर द ट्रेडर्स, ये जो मार्केट बने उसमें ट्रेडिंग का काम कौन करता है, हु आर द ट्रेडर्स, हु डूज द ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो एनसीईआरटी हमको बताती है कि कुछ ट्रेडर्स ऐसे थे कि जो शहर के अंदर ही रहते थे, देयर वर सम ट्रेडर्स जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, पर कुछ ट्रेडर्स ऐसे थे जो एक जगह से दूसरी जगह इनफैक्ट वो है ना कि घुमा करते थे। तो ये मोबाइल ट्रेडर्स थे और ये मोबाइल ट्रेडर्स अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो दूर दराज के विस्तार से अलग अलग मार्केट में अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं। अब देखो खासियत क्या है, जो भी लोकली अवेलेबल मटेरियल है वो तो आपको लोकल ट्रेडर्स अवेलेबल करा देंगे, पर कुछ कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो लोकली अवेलेबल नहीं होगा। जैसे मैं कहूंगा इफ यू कैन सी दिस मैप, जैसे यहाँ पे बीदर राम की एक जगह है, अगर यहाँ पे कोई मार्केट होगा तो वहां पे लोकली अवेलेबल मटेरियल का तो एक व्यापारी अवेलेबल होगा, बट देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि बीदर के अंदर आपको सॉल्ट ना मिले। तो नमक का व्यापारी है, सॉल्ट का मैन्युफैक्चरर है, वो शायद हो सकता है कि कोस्टल एरिया से ट्रैवल करता बीदर में गया होगा। गेटिंग अ पॉइंट? तो ये सब चीजें क्या दर्शाती है, ऑल दिस थिंग शोज दैट देयर वर ट्रेडिंग कम्युनिटीज वाज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस टू अदर प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, जो अपने व्यापार को, अपने इनफैक्ट बिजनेस को एक्सपांड कराने की कोशिश करेंगे। और हमको क्या पता चलता है कि ये ट्रेडर्स क्या किया करते थे, तो ट्रेडर्स दूर दूर विस्तार से आते थे, दे यूज्ड टू कम फ्रॉम फार एंड द नियर एरियाज एज वेल, एंड यहाँ पे आने के बाद ये लोग अपना लोकल जो सामान है खरीदते थे और अपने सामान को बेचते थे। इन्हीं में से ही कुछ ट्रेडर्स 1498 के अंदर ये जगह के ऊपर आए। पता है आपको कहाँ से आए थे? सी रूट से आए थे। कौन सी जगह के ऊपर आते हैं? 1498 के अंदर कौन ट्रेडिंग कम्युनिटी, कौन से ट्रेडर्स इंडिया के अंदर आए और इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की पॉलिटी और इंडिया की हिस्ट्री को बदल दिया, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, क्योंकि ये ट्रेडर्स के रूप में ही इंडिया के अंदर आए थे। ये बहरूपीय थे, they were having this kind of poker face where they tried to enter India in the form of a trading community, resulting into a very change of history, polity, culture of India by the 19th and the 20th century. ये traders की ही खासियत थी कि 1498 में जो traders आए वो समुंदर के रास्ते से आए, but उसके पहले वाले जो traders थे वो अलग अलग विस्तार से आते थे एंड दे यूज टू ब्रिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक द प्रोडक्ट्स विच आर नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट, और कुछ कुछ चीजें यहां से लेके जाते थे। गेटिंग अ पॉइंट? तो यू विल फाइंड कि दे यूज टू बाय द लोकल आर्टिकल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस लाइक द हॉर्सेस, इंडिया में घोड़े। अब जैसे अरबी लोग हैं, अगर आपको पता होगा अरेबियन हॉर्सेस का ट्रेडिंग होता था यहाँ पे, कैम्फूर, कपूर, सैफ्रॉन, अगर आपको पता होगा जाफरा कश्मीर का बहुत फेमस है, ईरान का बहुत फेमस है, अरे जाफरा तो स्पेन का भी बहुत फेमस है भाई साहब, अलग अलग जगह, बीटल नट, सुपारी, और यहां से हो सकता है कि स्पाइसेस जैसे पेपर, आपको पता ही होगा ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ये जो ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ इसी की ही ट्रेडिंग करने आए थे। गेटिंग माय पॉइंट? उसको यहां से फिर लेके गए ये लोग। तो ये सब चीजें एक्सप्लेन करती है, दिस थिंग शोज कि इंडिया के जो टाउन्स थे वो टाउन्स के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट चलता है, किस तरह से टाउन्स का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, उसको 2-5 मिनट के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए टाउन्स जो थे वो छोटे छोटे टाउन्स बने, वो टाउन्स के ऊपर कंट्रोल किसका हुआ करता था? तो जनरली हमको जानकारी मिलती है कि टाउन्स के अंदर आजू बाजू वाले रीजन में जमींदार, ये हम लोग कह सकते हैं कि एक जो सामंत नाम का शब्द हमने पढ़े थे जो फ्यूडल लॉर्ड करके एक इंसान हुआ करता था, वो इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो टाउन्स का कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन करता था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और कहते हैं कि ये जो जमींदार और ये जो सामंत थे, ये जो छोटे 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 शहर बने, ये जो छोटे 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 जो शहर बने उनके ऊपर टैक्सेस लेवी किया करते थे। मतलब क्या है कि आज की तारीख में ये टाउन्स को चलाना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, ये टाउन्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना छोटी मोटी बात तो है नहीं, और इसी के कारण ये जो आपके जमींदार थे, आपके सामंत थे, उन्होंने वहां पे जितने भी ट्रेडर्स
आर्टिजन्स या ऐसी कोई भी इनफैक्ट आपकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी चल रही है उनके ऊपर छोटे छोटे टैक्सेस लागू करने शुरू कर दिए। गेटिंग अ पॉइंट? तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये जो छोटे एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो टाउन्स का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इस तरह से आपका चलता है। ये टाउन्स के ऊपर मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्सेस लगाए जाते थे और ये टैक्सेस की जानकारी हमको एनसीईआरटी बताता है। मल्टीपल कॉमोडिटीज के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे। ये टैक्सेस के द्वारा आज के भी आपके टाउन का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, जैसे आपकी अगर आप देखोगे तो लोकल मार्केट के अंदर खुद परचेस कर रहे हो तो टाउन्स के ऊपर आपको है ना कुछ आपको बेचना पड़ता है, लेना होता है, तो उस टाइम के ऊपर तो मल्टीपल प्रकार के टैक्सेस आपको मिलेंगे और इसी के कारण प्रेजेंट डे टैक्सेस भी आपको मार्केट के अंदर इसी प्रकार के मिलते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर हमको बताया गया है। गेटिंग अ पॉइंट? इस तरह से आपके टाउन्स का एडमिनिस्ट्रेशन चला। ये टाउन्स धीरे 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 अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करेंगे एंड मोर ट्रेडर्स विल बी कमिंग टू इंडिया, ये ट्रेडर्स काबुल इंक्लूडिंग बाहर के रीजन से भी आएंगे, रिजल्टिंग इनटू डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल क्राफ्टमैन, रिजल्टिंग इनटू डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट सिटीज इन इंडिया। ये पोर्ट सिटीज, ये क्राफ्टमैन और आपके जो टाउन्स कैसे आगे डेवलप हुए और सूरत, हम्पी, मसूलीपट्टनम जैसे सिटीज को कैसे आगे बनाया जाता है उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक और लंबा टॉपिक है। होपफुली आपको ये सेशन कैसा लगेगा मुझे बताइएगा और हम लोग यही कंटिन्यूएशन को आगे करने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट क्लासेस। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स and give us a feedback form with your name and with my name as well, at least हमको पता तो चले कि आपको ये session कैसा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है तो भी ज़रूर से बताइएगा, हम आपके लिए अच्छी quality content लाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको history reading between the lines करने की कोशिश करा रहा हूँ, no doubt बहुत सारे लोगों को lengthy लग रहा होगा, but खासियत ही ये है कि आपको सोचना पड़ेगा। NCERTs are the foundation for the UPSC. 99% of the students ignore the NCERT और इसके लिए अगर आपने मेरे वीडियोस को भी देख लिया होगा तो पिक्चर एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा और आपको फिर अगर आपने NCERT अगर इन केस नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो भी मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस। थैंक यू वेरी मच। टिल देन कीप स्टडिंग। हम लोग अगले सेशन को फिर से शुरू करेंगे विद द ट्रेडिंग कम्युनिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सूरत, हम्पी एंड मसूलीपट्टनम इन इंडिया और लेटर ऑन टाउन्स कैसे बने उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। पढ़ते रहिएगा, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।